अंचल ने कुछ छोटी कंपनियों की बात की, जिसमें जिक्र किया इन्होंने आयोन एक्सचेंज का, हिडलबर्ग सीमेंट का, लिंक पेन का, और नंबर्स इन तीनों ही कंपनियों के अच्छे रहे हैं। आशीष, आप इन तीनों में से कोई पिक करना चाहेंगे पोस्ट अर्निंग्स? देखिए, अर्निंग्स के स्पेसिफिक तो नहीं जाऊंगा बिकॉज कपल ऑफ काउंटर्स आई डोंट ट्रैक, बट सीमेंट सेक्टर में डेफिनेटली इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए दीपाली, इस समय मार्केट ऐसा है कि आपको यू नो नीश सेक्टर पकड़ना बहुत जरूरी है। पहले एयरलाइन की बारी आई, फिर शुगर की बारी आई, फिर यू नो हमने यू नो बीच में और कुछ एक दो स्टॉक्स सेक्टर्स को अग्रेसिवली चलते हुए देखा। सो अभी इस उस लिहाज से हमें अगर इस क्योंकि अदरवाइज मार्केट में ब्रॉडली रीजन नहीं मिल रहा है कमाने का, तो अगर वैसे सोचने जाए तो हमें सीमेंट सेक्टर सेलेक्टिवली अच्छा लगता है। हमें लगता है वहाँ पे कॉस्टिंग कम रहकर और मार्जिन एक्सपेंशन जो है, प्राइसिंग जो स्टेबिलिटी दिख रही है सीमेंट की कमोडिटी की, वो हमें लगता है कि आगे जाके और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और स्टॉक्स लाइक हिडलबर्ग, सांगी सीमेंट, ACC, ये स्टॉक्स हमें इन लेवल्स पे अच्छे लग रहे हैं। और इसी तरीके से जो दूसरा स्टॉक हमें, मैं आई जस्ट एक्सटेंड माय कमेंट, जो दूसरा स्टॉक ऐसे नीच प्ले अच्छा लग रहा है वो है टी सेक्टर। नहीं, इनफैक्ट अगर आपने टी सेक्टर कहा ही है, मैं तो हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि कौन कौन से स्टॉक्स आप चेज करेंगे। आशीष, देखिए आप दो आप जो मेजर स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स हैं, वो अभी भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे हैं। बट टी सेक्टर को लेके क्यों रुझान ठीक हुआ है, क्योंकि ग्लोबली कुछ कंट्रीज में जो क्रॉप है वो अच्छी नहीं हुई है, और ये जो सिनेरियो आता है इंडियन कंपनीज के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। तो एक स्टॉक जो हमें इन लेवल्स पे ठीक लगता है वो धनश्री टी है। वो उसका वैल्यूएशन के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में 10-15% की अपसाइड मिल सकती है। जी राकेश, शो की शुरुआत में आपका भी यही मानना था कि इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स पर बेट करना शायद ज्यादा बेहतर होगा। अब मॉनसून को लेकर फिर से चर्चाएं गर्म हो गई हैं, जो फोरकास्ट आने शुरू हुआ है स्काईमेट का, उन्होंने 109% लॉन्ग टर्म एवरेजेस की बात कही है। तो ऐसे में एग्री स्टॉक या फिर मॉनसून रिलेटेड स्टॉक शायद आज और आने वाले सेशन में एक्शन में रहे। तो प्रिसाइसली इसी पॉकेट से कुछ स्टॉक्स इंट्राडे में आप चुनना चाहेंगे आज के लिए? देखिए, मॉनसून से रिलेटेड अगर देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इसी स्पेस से जुड़ा हुआ स्टॉक है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है स्टॉक की, कि जो निफ्टी की ऑनगोइंग मंदी थी जिसमें निफ्टी 7800 के नीचे भी गया, उस मंदी के अंदर M&M फाइनेंस ने पार्टिसिपेट नहीं कराया। और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगर निफ्टी थोड़ा वोलेटाइल होता है या गिरता है एक्सपायरी के चलते कोई प्रेशर देखने को मिलता है, तो भी ये स्टॉक एक अच्छी रैली दिखा सकता है। 291 के स्टॉप लॉस के साथ 326 के टारगेट के लिए M&M फाइनेंस को बाय करना चाहिए। जी हाँ, चलिए एक दो स्टॉक्स और जो कल बड़े एक्टिव रहे, और कल कुछ स्टॉक्स जो कि बड़े अगर आप देखें निराश कर रहे थे, ब्रिटानिया। मैं थोड़ा FMCG को हाथ लगाता हूँ। सडनली आप देखिए ITC की प्राइस परफॉर्मेंस, सडनली आप देखिए HUL की प्राइस परफॉर्मेंस, डाबर की देखिए, मेरिको की देखिए। और इनफैक्ट मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, कल आप कोलगेट को देखिए नतीजों के बाद। कोलगेट ने ऑलमोस्ट अपने अगर आप देखें इंट्राडे हाई पे जाके क्लोजिंग दे दी थी। ये डाबर है, माफ कीजिएगा एकदम घबरा गया मैं, कोलगेट 834 3% ऊपर। लेकिन ब्रिटानिया के साथ तो देखिए जो इश्यूज हुए हैं, चाहे वो जुबिलेंट फूड्स हो, ब्रेड इश्यूज जो हैं जिनमें कैंसर के कुछ कारक पाए गए हैं, वो आई थिंक इन स्टॉक्स को ट्रैक करेंगे। डाइवर्जेंस हो गया है सडनली दो स्टॉक्स में और रेस्ट ऑफ FMCG में। मयूरेश, आप कैसे प्ले करेंगे FMCG को इस वक्त? ITC आफ्टर दिस, आई मीन फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स एंड बोनस अनाउंसमेंट, कोलगेट के अच्छे नंबर्स रहे, आप क्या खरीदेंगे, क्या अवॉइड करेंगे इस वक्त FMCG में? नहीं, अगर हम FMCG और स्पेसिफिकली कंज्यूमर स्टेबल्स की बात करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक ITC ने बहुत एनकरेजिंग नंबर्स पोस्ट किए थे। और मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे सिगरेट एक इबिट कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट अभी भी करते और आगे जाते हुए भी करते रहेगा, जितनी इन इलास्टिसिटी है प्रॉब्ली आई थिंक दैट विल स्टिल कंटिन्यू। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जितनी भी प्राइस इंक्रीजेज लिए हैं विज वॉट एवर एक्साइजेज हैव कम, वो तो कम प्रोपोर्शन में ही आए हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वॉल्यूम डीग्रोथ की जो हम बात कर रहे थे वो शायद स्टेबलाइज हो जाए। जो दूसरे बिजनेस हैं आई थिंक दैट शुड स्टेबलाइज गोइंग फॉरवर्ड। इसलिए इन्वेस्टर जो लोअर लेवल पे स्टॉक होल्ड करके होल्ड करिए। अदर FMCG स्टॉक्स मेरे ख्याल से आई थिंक हैव पोस्टेड रीजनेबल सेट ऑफ नंबर्स, लेकिन मुझे लगता है डाबर, ब्रिटानिया अगर लोअर लेवल्स पे मिलता है तो आई थिंक दे आर वेरी गुड बेट्स फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी, और FMCG स्पेस की एक और कंपनी जिसके कल काफी हैमरिंग हुई वो जुबिलेंट फूड्स की थी, और उस पर अपडेट ये भी है कि क्रेडिट स्विस ने कल 10.25 लाख शेयर बेचे हैं ब्लॉक डील के जरिए। राकेश, FMCG स्पेस से आपकी कोई चॉइसेस हैं इंट्राडे में या फिर आने वाले सेशंस के लिए? देखिए दीपाली, FMCG स्पेसेस जो एज ऑफ नाउ एक ही स्टॉक अच्छा लगता है वो ITC है। ITC में एक बड़ा ब्रेकआउट 335 के ऊपर देखने को मिला है,
मेरा ऐसा मानना है 339 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी को इन स्तरों पर 348 349 के स्तरों पर बाय किया जा सकता है, 362-363 के टारगेट के लिए। बट मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पर आईटीसी पे भी शायद प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि आप देखें तो एक कंसेंसस री रेटिंग के 400 रुपए के सबके टारगेट आए हैं, और जहां कंसेंसस होता है वहां पे टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 360-363 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, उन स्तरों पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। चलिए अभी यानी करीब करीब यहां से 15 रुपए का मूव और मिल सकता है अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स के बाद आईटीसी खरीदा हो तो। अभी धैर्य रखिए, अभी पैसा बनना बाकी है इसमें। लेकिन लोगों का पैसा जिस सेक्टर में नहीं बन रहा है, और देखिए पैसा ना बनना तो खैर वक्त विवक्त होता रहता है, कभी बनता है कभी नहीं बनता, ये बाजार की बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं ब्रीच होना चाहिए। और एक स्पेस जिसने सभी हमारे व्यूअर्स का या फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ब्रीच किया है वो है फार्मा। अभी कुछ देर पहले मैं इनफैक्ट निलेश शाह फंड मैनेजर हैं, उनका एक टेक पढ़ रहा था, और उन्होंने भी इनफैक्ट ये कहा कि कैपिटल गुड्स और फार्मा से फॉर द टाइमिंग थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। और फार्मा में आप देखिए कभी ल्यूपिन कभी डॉक्टर रेड्डीज, कल आप और विंडो फार्मा को देख लीजिए, शायद कोई स्टॉक ऐसी या कोई कंपनी ऐसी कोई भी ऐसी नहीं हर्डल से दूर हो। मतलब मान लीजिए कि हम इस ऑलमोस्ट हम चार लोग बैठे हैं, और चारों ने अगर आप देखें चार स्टॉक खरीदे हैं, तो चारों के स्टॉक्स पे कोई ना कोई सुबह ऐसी खबर आती है कि 15%, 8%, 9% वाइल्ड स्विंग, शार्प गिरावट अगर आप देखें। और दूसरा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में एलएनटी ने इंटरेस्ट जनरेट करने की कोशिश करी थी, 1320 तक गया लेकिन फिर लौट के आ गया। बेजल को देखिए फिर लौट के आ गया। मयूरेश पहले तो बात करते हैं फार्मा की, कल अरविंदो फार्मा के साथ हुआ, परसों ल्यूपिन के साथ हुआ था, कुछ दिनों पहले डॉक्टर रेड्डीज के साथ हुआ। अब फार्मा में आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी रखी है और क्या खरीद रहे हैं इन लेवल्स पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और कुछ मिड कैप्स पे क्या शफल करेंगे आप लार्ज कैप से ज्यादा? नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक दिक्कतें जो एफडीए से आई है आई थिंक काफ़ी कंपनियों पे आई है, और ये दिक्कतें आई थिंक कुछ समय में जाने वाली नहीं है। इसलिए जो रेमेडिएशन कॉस्ट रहती है, रेमेडियल इश्यूज रहते हैं, ये सिस्टम में बरकरार रहते हैं। और अर्निंग्स का कट आपने ऑलरेडी देखा है, और एनालिस्ट ने FY17 में काफ़ी अर्निंग्स कट कर दिए हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ टॉप लाइन एंड ईपीएस ग्रोथ। जहाँ तक आई थिंक नंबर्स का सवाल रहा, मुझे लगता है आई थिंक सिप्ला के नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे इन टर्म्स ऑफ एबिट एंड बॉटम लाइन। बट अगर आप लंबा नजरिया रखते हैं तो मुझे लगता है स्टॉक को नीचे लेवल्स पे कंसोलिडेट करने देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज काफी ह्यूज है, बट लेट द स्टॉक कंसोलिडेट एट लोअर लेवल्स। सो सिप्ला शायद मैं पसंद करूंगा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बट एट लोअर लेवल्स। चलिए खबरों वाले शेयर्स में कुछ और स्टॉक्स देखें तो एक आईडीएफसी बैंक पर खबर है, सीएलएसए ग्लोबल ने 1.25% हिस्सेदारी बेची है ब्लॉक डील के जरिए, ये कुछ फंड एक्शन। एमएनएम पर नजर रखें, नाइजीरिया में सब्सिडरी बनाई है कंपनी ने महिंद्रा वेस्ट अफ्रीका के नाम से। और एक स्टॉक जो कि कल सबसे ज्यादा खबरों में था, सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही थी, वो था वीआरएल लॉजिस्टिक्स का 20% डाउन सर्किट इस स्टॉक में कल लगा। अब क्लैरिफिकेशन आया है मैनेजमेंट की ओर से, प्रमोटर ने कहा है कि जो एयरलाइन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात हुई है वो पर्सनल बेसिस पर होगा, अगले 3 से 4 साल में 1400 करोड़ का वो निवेश करेंगे, और एयरलाइन कारोबार में विस्तार की जो बात हो रही है वो अभी बहुत इनिशियल फेजेस में है। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वीआरएल लॉजिस्टिक की बैलेंस शीट का इस्तेमाल इस बिजनेस के लिए नहीं किया जाएगा। आशीष, मैं वीआरएल लॉजिस्टिक कल फंडिंग कहां से होगी, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन सब कंसर्न्स के बीच में हमने 20% का लोअर सर्किट इस स्टॉक में लगते हुए देखा। आज जो क्लेरिफिकेशन आया है ये क्या कुछ रिलीफ इस स्टॉक को प्रोवाइड कर सकता है, या फिर अभी भी आप मानते हैं कि प्रेशर सस्टेन कर सकता है, दूर रहे? और दूसरा, एमएनएम पर अभी अप्रोच किया है, मॉनसून की जब जब बात होती है तब तब इन स्टॉक्स में हमने अच्छा ट्रैक्शन देखा, और मॉनसून ट्रिगर की वजह से ये स्टॉक मोर देन 10% चल भी चुका है, क्या करना चाहिए दोनों शेयरों पर? देखिए वीआरएल लॉजिस्टिक एक यूनिक सा ही केस है। अगर आप जिस तरीके से आप कमेंट्री देखें मैनेजमेंट की, कोई भी सेंसिबल इन्वेस्टर उसको सुन के कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, और क्लियरली जिस तरीके से क्या आपने I don't track that stock very aggressively, but at the end of the day, have you achieved enough in your logistics business that you're even thinking of as a, your management bandwidth is going into some other business? So it's very simple. आप उनकी clarification से बहुत कुछ होता नहीं है। अगर मैं होऊंगा तो मैं ये stock में पहला मौका देख के निकलूंगा। चलिए कल मैं कुछ स्ट्रेंथ के पॉइंट्स देख रहा था, जहाँ जहाँ हम फोकस कर सकते हैं, जहाँ स्ट्रेंथ थी कल, जहाँ टेक्निकल्स, जहाँ ऑप्शंस काफ़ी अच्छे थे। कल आप देखिए राकेश, अशोक लेलैंड ने 100 रुपये के साइकोलॉजिकल लेवल को होल्ड करके वहाँ से एक पुल बैक देने की कोशिश करी। ऑटो में टाटा मोटर्स, डीवीआर और अशोक लेलैंड काफ़ी एक्टिव थे। इस पर आप अपना ट्रेड कैसे करेंगे राकेश?
देखिए आपने वीरेंद्र काफी राइटली पॉइंट आउट करा, अशोक लीलैंड ने निचले स्तरों पर 98-99 पर एक रिवर्सल दिखाया है टेक्निकली, और इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ऊपर में मुझे लगता है 104-105 के भाव भी ये स्टॉक दिखा सकता है। बट टाटा मोटर्स डीवीआर देखें तो ऊपर से स्टॉक के अंदर प्रेशर है। टेक्निकल कंफर्ट मेरा टाटा मोटर्स में मौजूदा स्तरों पे नहीं है। कल की क्लोजिंग अराउंड 388-389 की है, बट अगर ये 392 के ऊपर डिसाइसिवली निकलता है तब बाय करना चाहिए। एज ऑफ नाउ ऑटो स्पेस के अंदर अशोक लीलैंड एक अच्छा पिक लगता है, फॉलोड बाय मारुति। जी संक्षेप में मयूरेश, M&M पर आपके कमेंट्स क्या हैं अभी? नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक कंस्ट्रेंट मूव रह सकती है, क्योंकि जैसे डीजल बैन केरला में एक्सटेंड हुआ है और अगर दूसरे स्टेट्स भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मार लगेगी, बट दे आर हैविंग प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड, बट मुझे लगता है स्टॉक एक शायद रेंज में ही रह सकता है।